फालसो का। फालसे मैंने अच्छी तरह से धोकर और इनको मैंने इसमें डाल लिए प्लेट में, ये मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं फालसे। ये इसमें जो है तिनके वगैरह वो अच्छी तरह से साफ कर लें, और जो अच्छी तरह से मैं इसको वॉश कर लिए हैं। अब हम इसमें जग में मैं 2 कप चीनी डालूंगी, जितना आपने बनाना है उतना बना लें। ये 2 कप डाल लें, 2.5 कप डाल लें चीनी के। ये मैंने 2 कप चीनी के लिए हैं। ये फालसे हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फालसे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैंने 2 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये हमारा ग्राइंडर है, ये हम इसमें इसको इस तरह रख के इसको अच्छी तरह से। तकरीबन 7-8 मिनट लग जाते हैं ग्राइंड करते हुए, क्योंकि इसके बीज होते हैं और अच्छी तरह से इसको करना पड़ता है। ये देखें, ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून, आप अपने मटेरियल के हिसाब से इसमें डाल लें। मैंने 1/2 किलो फालसे लिए थे और ये मैं उसमें 1/2 किलो फालसों में ये 1 टीस्पून भर के काले नमक का डाल रही हूँ। मैंने 2 कप या 2.5 कप ले लें आप चीनी के ले लें, और ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक का लिया है, काला नमक है, ये भी इसके अंदर डाल देना। अब हम इसको और 5 मिनट करेंगे ग्राइंड, ताकि भाई अच्छी तरह से हो जाए। अब इसके अंदर हम रेड कलर का शरबत, रूह अफजा ले लें, रेड कलर का शरबत है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे, उससे ये होगा, ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने इसके अंदर रूह अफजा डाल दिया है, इसको और थोड़ा सा करेंगे ग्राइंड। ये हमारा शरबत तैयार हो गया, अब हम इसको छान लेंगे, इस तरह पोनी लेकर उसके अंदर इस तरह छानते जाएं। इस तरीके से आपने इसको, मैंने ब्रीक पोनी ली है ताकि ये अच्छी तरह से इसके बीज हैं वो निकल जाएं। तो आपने अगर जिस तरह की लेनी है ले लें, तो इस तरीके से इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको अच्छी तरह से छान कर तो फिर इसमें आप बर्फ मिक्स कर लें। अब मैं ये आपको छाने के बाद बताती हूँ। ये
देखे हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसको आप दिखाते हैं आपको बर्फ़ डालकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर जी ये देखें हमारा ये फालसों का शरबत रेडी हो गया है। ये बहुत मज़े का बनता है और इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ठंडा है। गर्मी के मौसम में लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप घर में इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत इसकी आसान रेसिपी है और लोग इसको बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये अगर आपको ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।